हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथ बस्टर्स को कंफर्म या बस करने वाले हैं। तो हमारा पहला मिथ यह है कि पुलिस घर के अंदर नहीं मारती। तो हम लोग को पहले तो बहुत सारे NPC चाहिए, जिसकी मैंने चीट कोड डाल दिए, क्योंकि यहाँ पे हमें अंदर से ही मारना पड़ेगा एक आध को। अगर हम बाहर गए तो पुलिस हमें बाहर ही मार दे, क्या पता, इसलिए अंदर ही सेफ रहेंगे। तो 2 स्टार हो चुका है हमारे ऊपर। अभी तक मुझे पुलिस की आवाज़ तो कहीं से भी आ नहीं रही है, लेकिन मैं अंदर चले जाता हूँ पहले ही। तो पुलिस आ चुकी है गाइस, लेकिन बहुत ही अलग अलग रास्ते से आ रही है। कोई सामने से आ रही है, कोई घर के पीछे से आ रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि पास कौन सी आएगी। वो सामने वाला तो भाई देखो दूर ही अटक गया है। कहाँ है भाई ये लोग, कहीं भी दिखाई दे नहीं रहे। अच्छा, ये यहाँ पर ठोक के बैठा है। रुको, यहाँ पे जाने का रास्ता होता था ना। घर के पीछे वाली साइड आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोग मेरा वेट कर रहे हैं। लो, मैं आ गया। अब देखते उतर के मारता है क्या। ठीक है, देखो यहाँ तो मारा है, लेकिन अभी मैं घर के अंदर नहीं हूँ, तो इसलिए अभी ये मिथ मारा नहीं जाएगा। हमें ये देखना है कि ये घर के अंदर आके मारेगा कि नहीं, क्योंकि देखो वहाँ से ये चढ़ के आ नहीं पा रहे, सामने भी कोई आ है नहीं रहा, तो फिर ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह है कि ट्रक के पीछे का ट्रॉली स्टिकी वॉर्म से ब्लास्ट नहीं होता है। तो ट्रक के पीछे का ट्रॉली तो वैसे भी किसी चीज से ब्लास्ट नहीं होता है, RPG से मार लो या किसी से ही मार लो भाई, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि हमने घोस्ट राइडर बाइक से चेक किया था और हमें ये मालूम चला था कि ये पूरा स्टील का बना भाई। हमने गन तक मारी थी, कुछ नहीं हो रहा था। अब देखते हैं क्या होता है। भाई ये तो फट गया, ऐसे तो नहीं होता है। मुझे नहीं लग रहा था ये कहीं से भी फटेगा, क्योंकि यार नहीं फटता यार। मैंने गलती से एकाध से कि वो हम ट्रक पे तो नहीं लगा दिया था, एक बार फिर चेक कर लेते, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है बाकी चीजों से नहीं फटता। ये देखो RPG से तक नहीं फट रहा यार ये, लेकिन वो कैसे। इस बार अपन सारे पीछे वाले साइड लगाएंगे गाइस स्टिकी बॉम्ब, है ना। हो सकता है कि ट्रेलर के ऊपर नीचे लगा दिया हो, इसलिए थोड़ा इम्पैक्ट आ गया हो, इसलिए अपन सारे देखो पीछे वाली साइड ही लगा रहे हैं सिर्फ। तो अब एक्टिवेट करते हैं ना, और ये फिर फट गया यार। तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ है कि एक साथ मिनी वाले ट्रक स्पॉन करो फिर देखो मैजिक। तो मिनी ट्रक के ऊपर मिनी ट्रक रखनी है क्या, 1-2, 1-2 और 1-2, 1-2। अच्छा ये भी मतलब फ्लाइंग मिनी ट्रक बन जाते हैं हमारे, लेकिन ये दोनों कहाँ गए, मेरे को दिखे भी नहीं, ऊपर ही ये लग रहा है मेरे, कुछ तो टपक रहा है चिंगारी टाइप। फिर से करते हैं गाइस स्पॉन, ठीक है, 1-2, 1-2 और फिर से 1-2, 1-2। हमें लगता है एक डबल फ्लाइंग ट्रक आज मिल ही जाएगी। ये देखो भाई बिल्कुल चिपक गए यार मैग्नेट की तरह और साथ में उड़ रहे यार। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम फॉर्च्यूनर को ट्रेन के ऊपर रखते हैं तो वो उड़ेगी। तो हम लोग को ट्रेन के ऊपर फॉर्च्यूनर स्पॉन करनी है, ठीक है। अब मैं ट्रेन को आगे या पीछे बढ़ाता हूँ, फिर देखते हैं। वैसे पीछे बढ़ाना चाहिए, आगे तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। तो बैकवर्ड की तरफ करते हैं और देखते हैं क्या हवा में ही उड़ती रहती है फ्लाइंग फॉर्च्यूनर। नहीं, ये नीचे गिर चुकी है। तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि जब आप स्विमिंग पूल में 100 स्टिकी बम लगाओगे उसके बाद ब्लास्ट करोगे तो स्विमिंग पूल में आग लग जाएगी। तो आज हम पानी में आग लगाने वाले हैं, तो पूरे 100 के 100 स्टिकी बम मैं लगाने वाला हूँ, तो तैयार हो, और थोड़ी सी देर लगेगी बस। तो 100 स्टिकी बम पूरे के पूरे मैंने लगा दिए गाइस। अब एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं धमाका। तो यहाँ पे आग तो लगी, लेकिन आग बुझ भी गई जल्दी से। तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि आप फायर ट्रक के ऊपर बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब लगाओ फिर एयरपोर्ट वाले फेंस में टकराओ फिर देखो मैजिक। तो हमने ये चीज करी है, लेकिन बिना स्टिकी बॉम्ब ही करी थी, तब हमें फ्लाइंग फायर ट्रक मिली थी। अब बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब लगा के फिर देखते हैं क्या होता है। तो स्टिकी बॉम्ब मैंने पूरे शरीर पे लगा दिए हैं। अब चलते हैं और पूरी फुल स्पीड से ठोकते हैं इसको अपनी जाली में और क्या होता है देखते हैं। तो ये टोकी और भाई कुछ ऊपर उड़ा और कुछ नीचे रह गया। ऊपर क्या उड़ा, शायद से गेट उड़ा था, और नीचे पूरी की पूरी बॉडी रह गई है। तो हो सकता है ये ज़मीन के अंदर चली गई हो। वो देखो ये जाली में नहीं फंसी गई, ये पूरी अंदर चली गई, ज़मीन के अंदर चली गई हमारी फायर ट्रक, आप देख सकते हो। और ज़मीन के अंदर पूरी होगी, लेकिन अब इसको हम लोग बाहर निकाल नहीं सकते यार, ये भी सही है। तो गाइस ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम मेगा रैंप में जहाँ से उतरते हैं वहाँ पे घोड़े को स्पॉन करें तो वो चढ़ने लगता है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम कहाँ की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है क्या, नहीं ये बात नहीं हो रही, क्योंकि जहाँ से उतरते हैं बोला है वहाँ से चढ़ने लगेगा। तो एक ये जगह हो गई, और यहाँ से एक तो उतरते हैं, वैसे यहाँ से गिरते हैं, उतरना नहीं बोलेंगे। यहाँ पे तो पता नहीं कहाँ स्पॉन हुआ है, सीधा नीचे ही हो गया लग रहा है। और अब एक और जगह बची है जो कि बिल्कुल नीचे है। तो नीचे जाने के लिए हमें कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि भाई हमें गिरा नहीं दे। तो बुलेट ले लेते हैं। बुलेट मुझे सबसे सेफ बाइक लगती है गाइस इस गेम में। आपको कोई सी भी गाड़ी ना नीचे गिरा देगी, लेकिन बुलेट
गिराती ही नहीं है, बहुत ही रेयर गिराती है, वरना तो देखना ये गिराएगी नहीं नीचे। और बिल्कुल सेफली हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं, बस नीचे जाके शायद गिर जाए, लेकिन देखो बुलेट है तो यहाँ पे भी नहीं गिरे। अब ये एक पॉइंट हो सकता है जहाँ पे ये मिथ की बात करी हो। तो यहाँ पे हम घोड़े को स्पॉन करते हैं गाइस और देखते हैं क्या ऊपर चढ़ने लगेगा। अच्छा ये उल्टा साइड हो गया तो यहाँ से नहीं चढ़ेगा, हमें इस साइड से करना पड़ेगा। तो यहाँ से करते हैं हम लोग घोड़े को स्पॉन और भाई ये चढ़ने लगा, ये देखो कूद कूद के जा रहा है गाइस, सही में ऊपर जा रहा है और नॉन स्टॉप जा रहा है। तो अगर ये बिल्कुल सीधा जाता है ना तो पक्के में मेगा रैंक के ऊपर तो चढ़ ही जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा टेढ़ा स्पॉन कर दिया तो हो सकता है ये साइड में जाके नीचे गिर जाए। लेकिन अगर मैं सीधा स्पॉन करूं तो ये यार अपने आप ऊपर ही चढ़ जाएगा बिल्कुल ऑटोमेटिकली, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम लोग गन लेकर पूरी सीढ़ी चढ़ें तो गन गायब हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे घर पर सीढ़ी है, हम लोग गन ले लेते हैं हाथ में कोई सी भी और अब ऊपर चढ़ते हैं। तो यहाँ पे ओके, आधे रास्ते में नहीं लेकिन पूरे रास्ते के बाद गन गायब हो जाती है। एक और बार दूसरी गन से ट्राई कर लेते हैं, जैसे स्टिकी बॉम्ब से भी काम हो जाएगा और यहाँ पे भी गायब हो गई, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि आप कार से बिल्डिंग के अंदर जाओ और बाइक स्पॉन करो और फिर देखो मैजिक। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बिल्डिंग के अंदर कार स्पॉन करी थी और कार स्पॉन भी हो जाती है बिल्डिंग के अंदर लेकिन बाहर नहीं आ पाती, और अब हम लोग बाइक करने जा रहे हैं। तो इधर मैं बिल्डिंग के अंदर शायद आ गया हूँ, ठीक है आ गया गाइस। तो अब यहाँ पे एक बाइक स्पॉन करते हैं हमारी ZX10R और ये आराम से स्पॉन हो गई जो मुझे लगी रहा था। अब बाहर निकाल के देखते हैं, क्या पता ये बाहर आ जाए शायद से। ठीक है, तो यहाँ पे तेजी से गए और आराम से हम लोग बाहर आ चुके हैं बिल्डिंग के, लेकिन कार से नहीं आ सकते, तो फिर ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि हमें बाइक और कार को स्पॉन करना है, फिर कार पे स्टिकी बॉम्ब मार के दोनों पे एक साथ बैठना है, फिर नीचे उतरना है, फिर फर्स्ट पर्सन करके एक्टिवेट करना है स्टिकी बॉम्ब, फिर देखो मैजिक। तो पहले हमें कार स्पॉन करनी है, इसके बगल में एक बाइक स्पॉन करनी है, और अब हमें कार पे बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब लगाने हैं, और अब हमें दोनों पे साथ में बैठना है। बैठ गए तो गेट खुल गया कार का, अब नीचे उतरना है। तो मुझे लग रहा है यार टेलीपोर्ट ग्लिच नहीं हो जाए, देख लेते हैं। ठीक है, नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, फर्स्ट पर्सन कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग कार के अंदर है और थर्ड पर्सन में कार के बाहर है, तो अब हमें फर्स्ट पर्सन में जाके स्टिकी बॉम्ब को एक्टिवेट करना है। ऑप्शन आएगा, ठीक है, फोन का ऑप्शन आ चुका है, एक्टिवेट करते गाइस हम लोग कार के अंदर, ये देखते क्या होता है, कैसा सीन होता है। ओ भाई कार फट गई और ये कुछ ग्लिच हो गया है, इतने सारे बटन आ चुके हैं भाई मेरी स्क्रीन पे, यार गेम ही ग्लिच हो गया है मेरा। तो ये सही बात है, ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि दो बाइक लो, उसके बाद किसी एक बाइक पे बैठे रहो, फिर जब हेलमेट पहना शुरू करे तब उतर जाओ, फिर दूसरी बाइक पे बैठो, फिर दोनों साथ में चलने लगेगी। तो मुझे लग रहा है ये हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों बाइक पहले से ही खड़ी कर दी है। अब जैसे ही हेलमेट पहनता है फिर हमें उतर के जाके उस पे बैठना है ना। ठीक है, तो ये निकाल रहा है हेलमेट, मैं उतर जाता हूँ जल्दी से और जाके ये वाली बाइक पे बैठ जाता हूँ, देखते हैं दोनों चलेगी क्या साथ में। और ये करी चालू और दोनों साथ में चलने लगी भाई, सही में ऐसा लग रहा है कि वो बाइक भी मैं ही चला रहा हूँ या फिर कोई और चला रहा है, और बिल्कुल सेम चल रही है क्या, नहीं बिल्कुल सेम शायद नहीं चल रही है, लेकिन दोनों साथ में कैसे चल रही है यार, सेम भी चल रही है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट कर देना अपने अपने मिथ्स ताकि हम उनको लें अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के मिथ बस्टर्स की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो उसे दबा के।